अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राहत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहत टेक्निकल हब। दोस्तों, आज मैं आपको एक कॉमन फॉल्ट बताने वाला हूँ बिज़ब 363 के बारे में। ये यूएसबी स्टिक है, हम यहाँ पे इसको इंटर करेंगे, इससे हमने प्रिंट कैसे लेना है और यहाँ इसमें हमने स्कैन कैसे करना है। यूएसबी स्टिक यहाँ पे हमने इंसर्ट की है, लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, ना हमें स्कैनिंग के लिए कोई फ़ाइल शो हो रही है और ना कोई प्रिंटिंग के लिए यूएसबी की कोई फ़ाइल यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे उसने डिटेक्ट कर ली है, लेकिन यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूटिलिटी काउंटर में जाके आपने एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है आपने वो देना है। ओके करना है। ओके करने के बाद फर्स्ट नंबर के ऊपर आपका आता है सिस्टम सेटिंग, ये आपने क्लिक करना है। बिल्कुल एंड के ऊपर 9 से नीचे 0 यूज़र बॉक्स सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। फिर आपने करना है 7 नंबर के ऊपर एक्सटर्नल मेमोरी फंक्शनल सेटिंग, एक्सटर्नल मेमोरी फंक्शन सेटिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखिए जी, यहाँ से सेव डॉक्यूमेंट आपका ऑफ है एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट वो भी आपका ऑफ है, यहाँ से उसको आपने ऑन करना है। और जो प्रिंट डॉक्यूमेंट है इसको भी आप लोगों ने ऑन कर देना है। ऑन करके यहाँ से आपने ओके कर देना है, यहाँ से क्लोज क्लोज अगेन क्लोज एंड क्लोज। ठीक है जी, आपका एक्सटर्नल मेमोरी का जो आइकन है वो यहाँ पे शो हो गया। ठीक है जी, ये जो आपकी फ़ाइल है यूएसबी के अंदर पड़ी हुई है वो यहाँ पे शो हो गई है। अब हमने स्कैन किस तरह करना है, मशीन को एक दफ़ा ऑन ऑफ कर दें, यूएसबी रिमूव करेंगे और मशीन को ऑन कर देंगे। अच्छा दोस्तों, जब तक मशीन आपका प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं होता और प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं होता, आप लोगों ने यूएसबी इंसर्ट नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, मशीन ऑन हो गई है प्रॉपर तरीके से, अभी हमने यूएसबी स्टिक यहाँ पे इंसर्ट करना है। देखिए जी दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रिंट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी, यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी फाइल आपने सेव करना है आपने यूएसबी के अंदर, तो यहाँ से आप सेव ए डॉक्यूमेंट टू एक्सटर्नल मेमोरी, यहाँ से आप उसको सेव कर सकते थे। पहले ये ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर नहीं आ रहे थे। आपने जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है ऊपर PDF के ऊपर प्रिंट रख के, तो आपने सेव एज ए डॉक्यूमेंट टू एक्सटर्नल मेमोरी के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका फाइल स्टोर हो गया।